तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं 6 ऐसे डर के बारे में जो आपको आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने से आपको रोकते हैं, और अगर आपके अंदर एक भी ये डर है तो आपको फ्यूचर में कोई भी बड़े फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। हर इंसान को अपने जीवन में कई चीज़ों से डर लगता है। कुछ फियर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपके ज़िंदगी में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 6 ऐसे फियर होते हैं जो आपको आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। नंबर 1, द फियर ऑफ पॉवर्टी। पैसा आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है जो हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से कनेक्टेड है, चाहे वो फूड हो या हाउस। ह्यूमन बींग्स को अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को कम्प्लीट करने के लिए लाइफ में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पैसे ना होने का डर सबसे डिस्ट्रक्टिव है। और ये सबसे बुरी बात है कि पैसे ना होने का डर ही लोगों को पैसे कमाने भी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, सबको ये पता है कि बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन बहुत कम लोग ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उनका प्लान फेल हो गया तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे और वो गरीब हो जाएंगे। इसलिए फियर ऑफ पॉवर्टी बहुत लोगों को एक रिस्क लेके अपने लाइफ में रिच बनने से उन्हें रोकती है, इसलिए ही फियर ऑफ पॉवर्टी को सबसे टॉप पे रखा गया है। तो चलिए जानते हैं फियर ऑफ पॉवर्टी के कुछ सिम्टम्स। पहला है इनडिफरेंस, यानी कुछ भी अलग या हटकर करने से डरना। दूसरा है इनडिसीजन, यानी अपने जीवन के बड़े डिसीजन को खुद ना लेकर दूसरों को उन्हें लेने देना। और तीसरा है ओवर स्पेंडिंग, यानी दूसरों को दिखाने के लिए अपने हैसियत से ज़्यादा खर्च करना। और चौथा है प्रोकास्टिनेट करना, या मेंटली और फिजिकली लेजी हो जाना। तो ये थे कुछ सिम्टम्स फियर ऑफ पॉवर्टी। आपको इनमें से कौन सा सिम्टम है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे आपका ही फायदा होगा। नंबर 2, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। स्कूल में हम सब लोगों को फियर ऑफ क्रिटिसिज्म पता नहीं कितने बार हुआ है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछा हो और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, लेकिन ये सोचकर कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, ये सोचकर आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और वो सेम क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट ने उसका आंसर दे दिया, टीचर ने उसे कम्प्लीमेंट भी कर दिया हो, उसके बाद आपको लगता है कि काश उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का। इसके सिम्टम्स है, फर्स्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी लोगों से बात करते वक्त घबरा जाना, ऑकवर्ड फील करना। दूसरा है पर्सनालिटी वीकनेस, यानी अच्छे डिसीजन लेने में लैक करना। थर्ड है लैक ऑफ इनिशिएटिव, यानी आने वाले अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। चौथा है लैक ऑफ एम्बिशन, यानी मेंटली और फिजिकली लेजी होना, डिफीट को एक्सेप्ट करने की हैबिट डेवलप कर लेना। नंबर 3, द फियर ऑफ इल हेल्थ। एक फेमस डॉक्टर ने बताया था कि 70% पेशेंट जो उसके पास आते हैं उन्हें और कुछ नहीं बल्कि हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब कि इमेजिनरी बीमारी, जो रियल में तो नहीं होती लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बीमारी उन्हें सच में ही हुई है। इसके सिम्टम्स है ऑटोसजेशन, यानी अपने आप को ही नेगेटिव बोलते रहना, ये सोचना कि वो बीमार है एसेट्रा एसेट्रा। दूसरा है सस्पेक्टिंग डिजीज, यानी अपनी छोटी सी बीमारी को गूगल में सर्च करना और उसके रिजल्ट को देखकर डर जाना। तीसरा है सेल्फ कॉडलिंग, यानी लोगों को यह कह के कि वो बीमार है लोगों की सिंपैथी को पाना। नंबर 4, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। लव एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इमोशन है जो हर एक इंसान को खुशी से जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हो। ऐसे अच्छे रीजन की वजह से ये इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिलने के कारण कई लोग अपने साथ बहुत कुछ गलत करने लगते हैं, और एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ लोग अपनी जान भी दे देते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। पहला है जल्दी जेलस हो जाना और हर किसी पर शक करना। दूसरा है ओवर स्पेंडिंग, यानी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना। थर्ड है अपने आप में ही इमोशनल कंट्रोल ना होना, और अपने पार्टनर या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड में भरोसा यानी कि ट्रस्ट नहीं करना। नंबर 5, द फियर ऑफ ओल्ड एज। कुछ लोगों को बुढ़ापे का सोचते ही डर लगने लगता है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही ऐसी बनी हुई है कि बूढ़ा होना यानी बीमारियां होना, दूसरों पे टोटली डिपेंड हो जाना,
सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव बन जाना, इज्जत कम हो जाना और ऐसे ही नेगेटिव चीज़ें लोगों के दिमाग में आ जाती है जब भी वो बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं। इसके सिम्टम्स है यंग लोगों की तरह कपड़े पहनना ताकि वो यंग दिखे, ये सोचना कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, अपने इनिशिएटिव्स और हैबिट को किल करना एसेट्रा एसेट्रा। नंबर 6, द फियर ऑफ डेथ। कुछ रीज़न की वजह से बहुत से लोग इस फियर को सबसे क्रूएल फियर मानते हैं। ये ना पता होने के कारण कि मरने के बाद उनके साथ क्या होगा, ये लोगों को और भी ज़्यादा डरा देता है। लोग तो डेथ के नाम से ही डरते हैं। पहले जमाने में ये डर बहुत ज़्यादा हुआ करता था लेकिन अब ये डर बहुत कम हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट डाइंग, यानी हमेशा ही अपने मरने के बारे में सोचते रहना, ये सोचना कि मरने के बाद उनके साथ क्या होगा एनसेट्रा एसेट्रा। ये 6 फियर में से आपको कौन कौन से फियर है कमेंट में ज़रूर बताना, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा।